नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में बेरोज़गारी का मुद्दा लगातार उठ रहा है और लगातार आवाज़ लग रही है कि सरकार ने जो वादा किया है 2020 विधानसभा चुनाव में, उस पर अमल करे और बेरोज़गारी दूर करे। साल 2022 अब आने को है। ऐसे में बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जिसने 2014 में प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए रिक्तियां निकाली थीं, लोगों ने फॉर्म भरा था, मगर लगभग 8 साल का समय गुजारने के बाद अब वो वक्त आ रहा है जब ये प्रक्रिया पूरी होने के तरफ लगभग मंजिल के करीब है। ऐसे में मैं पटना के एन कॉलेज के पास खड़ा हूँ, जहाँ काउंसलिंग चल रही है और काउंसलिंग के बाद कई अभ्यर्थी बाहर आए हैं। कईयों के चेहरे पर खुशी है, शायद ये खुशी बहुत दिन बाद इन्हें मिली होगी, क्योंकि अब ये मंजिल के काफ़ी करीब हैं। ऐसे में जो भी अड़ंगा लगने की बात है, जो NCL का मुद्दा है, जो 2014 की शर्त BSSC ने रखी है, उसे लेकर कहीं ना कहीं छात्रों में एक डर है, खौफ है, और ज़रूरत है कि सरकार इस पर ध्यान दे, आयोग को निर्देश दे और आयोग इस तरह कि जो शर्त रखी है उसे हटा ले। मगर अभी हम बात करेंगे उन अभ्यर्थियों से जिन्होंने काउंसलिंग करा ली है, और ऐसे में हमारे पास कुछ लोग हैं। आपका नाम? पुरुषोत्तम कुमार। पुरुषोत्तम, कहाँ से हैं आप? बिहार लखीसराय। बिहार लखीसराय जी। हो गई काउंसलिंग? हाँ, हो गई सर। काउंसलिंग के बाद सबसे ज़्यादा खुशी किस बात के लिए लग रही है? काउंसलिंग के बाद खुशी इसलिए हो रही है कि सबसे बड़ा तो टेंशन ख़त्म हो गया काउंसलिंग, अब लगता है कि 1-2 महीना में जॉब हो सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ा योगदान इस काउंसलिंग कराने में आपका रहा सर, आपका, संदीप सौरभ का, सबका बहुत बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। जब PT पास किए थे तब लगा था कि नहीं, मतलब एज भी 30 साल मेरा हो गया है। ठीक है, नौकरी नहीं है, नौकरी होने के बाद लगता है कि चलो एक अच्छा सा मतलब मुकाम हासिल करेंगे, और घर में भी सबको खुशी मिलता है। जब PT पास किए थे तो लगा था कि अब मेरा शादी हो सकता है। उसके बाद मेंस पास किए तब पापा जी लड़की देखना शुरू कर दिए इधर उधर। ठीक है, और जब काउंसलिंग अभी हुआ तब अब जो है सीना तान करके हम कह सकते हैं कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और शादी भी हो जाएगा सर। शादी भी हो जाएगा? तो शादी कराने में सबसे अहम योगदान सर आपका है। आपको पर्सनली इनवाइट करेंगे हम, शादी होगा तो। ज़रूर ज़रूर, मगर एक बात मैं पूछूंगा कि जब शादी आपकी फाइनल हो जाएगी तो क्या शादी में दहेज वहेज लेने का भी सोचा? नहीं सर, हम दहेज प्रथा के खिलाफ हैं। दहेज प्रथा के खिलाफ? जी हाँ सर। दहेज सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो लड़की वाला तो अथी है सर, लड़की मिल रहा है, सबसे बड़ा दहेज तो वही है। सही बात है। और तो घर में पापा मम्मी और जो लोग हैं घर में, वो लोग भी काफ़ी खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं वो लोग, भाई है, बहन है, मम्मी पापा हैं। चलिए, नया साल में आपके लिए, हाँ लग रहा है कि नया साल 2022 आएगा ना, तो ज़िंदगी का नया सौगात लेके आएगा, नया सौगात। हाँ, इनके चेहरे पे खुशी बता रही है कि काफ़ी खुश हैं ये, और जायज़ भी है क्योंकि एक लंबा समय गुजारा है। और भी जो लोग हैं काउंसलिंग जिनकी हो गई है, आपका नाम? हिमांशु कुमार। हिमांशु, हो गई काउंसलिंग? जी हो गई, सारी प्रक्रिया हो गई। अब कैसा लग रहा है, नया साल आएगा, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो है, लेकिन आयोग का जो वही पुराना वाला जो मामला है वो लेकर के थोड़ा सा डाउट बना हुआ है। लेकिन अगर आयोग हम लोग के हित में अगर दे फैसला तो छात्रों के लिए बेहतर होगा और आगे अपना। आपकी शादी हो गई है? नहीं नहीं, शादी नहीं हुई है। आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं हुई है सर। क्या लग रहा है कि आप नौकरी होगी तो शादी भी हो जाएगी? लग तो रही है और बहुत जल्द। घर में रिश्ता दिखा देखा देखी शुरू हो गया? नहीं नहीं, ऐसे अभी तो ऐसे बात नहीं है, ज्वाइनिंग के जस्ट बाद हो भी सकती है। चलिए, आपका नाम? रविशंकर कुमार सर। रविशंकर, कहाँ से आप? सर सीतामढ़ी। सीतामढ़ी? सीतामढ़ी जी। काउंसलिंग हो गए जी? कैसा लग रहा है, 2014 की वैकेंसी है? लग रहा सर एक केरा खत्म हो गया सर, इतना मतलब खुशी महसूस हो रही है। एक सर लग रहा है डिकेड हो गया सर, 8 साल हो गए लगभग सर। आपकी शादी हुई है? नहीं सर, अभी नहीं हुई। नहीं हुई सर, रुके हुए हैं। नहीं सर, ऐसा था कि जॉब कर ले, स्टेबल हो जाए सर, ये एक मेरा एम था सर, तो अब देखते हैं सर ज्वाइनिंग मिल जाए सर। आपका नाम? अनुज कुमार हुआ सर। अनुज कुमार? अनुज 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 कुमार। हाँ, आपकी काउंसलिंग हो गई? हाँ जी सर, अभी तुरंत हो गया है।
मुस्कुराहट बता रही है बहुत कुछ, क्या कहना चाहते हैं आप? नया साल किस तरह सर कैसू कि प्रोसेस लेंदी ना हो, जो भी हो साफ सुथरा काम भी हो सर, जल्दी से जल्दी करा दे लोगों को ज्वाइनिंग, जो भी है यही प्रोसेस आगे प्रक्रिया बढ़ाए। यहाँ ज्वाइनिंग हो जाएगी तो घर वाले क्या एक्टिव हो जाएंगे शादी लड़की देखने के लिए? वो तो सर बात के बाद है, तो घर वाला सुनेंगे उनका शर्मा गए शर्मा के आ जाएंगे सर। सर आप बहुत सर्वेल किए सर, आप लोग बहुत हेल्प किए सर, आप मुद्दा उठाए तभी यहाँ तक मामला पहुँचा है, नहीं तो सर मामला पहुँचता भी नहीं। पहले सर आपको दिल से धन्यवाद देते हैं कि हम लोग के छात्रों के लिए आप लोग बार बार मतलब बेरोजगारी का मामला बार बार उठाते, इसके लिए आपको फिर से दिल से धन्यवाद। और संदीप सौरभ भैया और दिलीप भैया को सारे को सबको दिल से धन्यवाद देने का। आगे भी ऐसे ही बच्चों को हेल्प कीजिएगा सर, यही हम लोग काम करेंगे सर। क्या क्या हो रहा है जो भी आएगा न्यूज उस तरफ देखवाई रहेगा। हमारा यही मुद्दा ही है कि बेरोजगारी दूर हो और एक लंबा समय। आपका नाम? जी सर मेरा नाम भोला कुमार चौधरी। आपकी काउंसलिंग हुई है? जी सर हो गई। हो गई जी सर। अब क्या प्लान है जब देखते हैं सर, ज्वाइनिंग अगर हो जाती है तो शादी भी हो जाएगा 2022 में। जी सर। हाँ जी सर आपको, लेकिन सर जरूर मिठाई खिलाएंगे। हमको मिठाई खिलाइएगा जी सर, आपका न्यूज़ बहुत देखते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम आप लोग का मिठाई ज़रूर खाएंगे। थैंक यू सर। आपका नाम? प्रफुल्ल कुमार झा। अभी 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 आया काउंसलिंग करा कर। काउंसलिंग करा के आ गए तो अब मंजिल के बहुत करीब आप लोग नजर आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है, कैसी खुशी लग रही है? अब उम्मीद तो लग रहा है कि लगभग 90% पूरा कर लिए है गोल, अब 10% ज्वाइनिंग हो जाए उसके बाद। तो ये तो ज़िंदगी का पहला गोल है, और दूसरा गोल अब आगे और एग्जाम और लाइफ का जो स्थिति होता है चेंज होता रहता है वो सब होगा। स्थिति क्या खुल के बोलिए, शादी 2022 में करना है? हाँ करना है, करना है। तो घर वाले भी अब तैयारी में लग जाएंगे जी। और भी कई छात्र आप देख रहे हैं, यहाँ काउंसलिंग चल रही है, कई छात्र यहाँ पर हैं। आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन कुमार पड़ेगा सर। काउंसलिंग हो गई? जी हाँ। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सर कि दिन प्रतिदिन का आप खबर आपके माध्यम से हम लोग को मिलता रहता है, और SSC के लिए आप बहुत कुछ ऐसे जानकारी दिए हैं जो हम लोग को पता नहीं था, इसलिए मैं इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अब बात एक और मैं सूचना देना चाहता हूँ सर, जितने लोग डरे हुए हैं बायोमेट्रिक को लेकर, ऐसा कुछ बात नहीं है, जो जेन्युइन है उसके डरने की कोई बात नहीं है। एक ही बार में बायोमेट्रिक ले रहा है, मेरे साथ लगभग 6-7 स्टूडेंट ऐसे थे जो एक ही बार में ले लिया। नहीं कुछ लोगों का हो रहा है कि कई बार लग रहा है लेकिन बाहर हुआ लेकिन अब नहीं हो रहा है, फर्स्ट में हुआ लेकिन अब नहीं हो रहा, अब तो एक ही बार में हो रहा है बायोमेट्रिक की। हो गई काउंसलिंग? जी सर। चलिए तो अब आगे क्या सर, अब 2022 में अगर नौकरी हो जाती है तो शादी वादी भी कर लेना है? जी सर क्या करेंगे, अब दहेज नहीं ना लेना है? नहीं सर, दहेज तो नहीं लेंगे, अब तो शादी ही बाकी है, नौकरी का सर अब तो शादी ही बाकी है। तो ये प्रक्रिया काउंसलिंग की अब इन लोगों की हो रही है, और जिनकी काउंसलिंग हो रही है वो एक लंबे समय से इंतज़ार के बाद अब इस उम्मीद में है कि नया साल उनके लिए नई खुशियां लेकर आएगा, सौगात लाएगा नौकरी की, और साथ ही साथ जो कई सालों से एक और सपना होता है घर बसे शादी हो, तो अब इनको वो भी लग रहा है। अब देखना है कि सरकार इनकी इस प्रक्रिया को आगे कितनी जल्दी पूरा करती है और किस तरह ये प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो, ये इनका कहना है। अब बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।